तो आज के करंट अफेयर्स के इस अंक पे हम आप सभी के आगामी एग्जाम से जुड़े हुए सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स आप सभी के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। आप एक एक करंट अफेयर्स का नोट्स बनाते जाइएगा और अब तक जैसे आपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हैं उसी हिसाब से आगे आज आप चीज़ों को लिखिएगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी हाल फिलहाल की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुई हैं उन सभी को मैं यहाँ पे लेके चलूँगा। पिछले 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स लेकर के चल रहा हूँ, एग्जाम हॉल पे आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला करंट अफेयर्स जो है ये एक मैदान है, इसका नाम है चराई देव मैदान। शायद हो सकता है आप लोग इसके बारे में कुछ जानते हो, चराई देव मैदान ये इस समय चर्चा में है। चराई देव मैदान ये कहां पड़ता है? असम में। कहां का मैदान है ये? असम का मैदान है, असम का मैदान है। अब इस असम के मैदान को लेकर के ये असम का चराई देव मैदान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए अभी इसको लेकर एक प्रपोजल भेजा गया है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पे ये भी सम्मिलित कर लिया जाए। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा सरमा, ठीक है। तो उनके द्वारा हाल ही में घोषणा की गई थी कि असम का जो चराई देव मैदान है उसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को में भेजने की पूरी प्रिपरेशन थी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझने की हम बात करते हैं कि ये है क्या। देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि ये जो पूरा का पूरा मैदान है ये एक दफन प्रणाली वाला मैदान है, ठीक है। कैसा है ये, किस लिए जाना जाता है? यहाँ पे दफनाया जाता है चीजों को, दफनाया जाता है, ठीक है। दफन प्रणाली से जुड़ा हुआ है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये अहोम राजवंश से जुड़ा हुआ है। जब ऐतिहासिक अहोम राजवंश था तो यहाँ पर चराई देव मैदान में अहोम सम्राट के दो की कब्रगाह है। अहोम सम्राट की कब्रगाह है, अहोम सम्राट की एक तरीके का एक कब्रिस्तान है, या फिर एक तरीके का जैसे हमारे यहाँ जो शमशान होता है या मुक्ति धाम होता है उसी तौर पे है ये सम्राट की क्या है, कब्रगाह। अहोम शासकों के द्वारा इसको बनाया भी गया था, अहोम शासकों के द्वारा इसे बनाया ही गया था। तो ये एक तरीके से दफन प्रणाली से जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। और ये एक पवित्र स्थान के तौर पे भी माना जाता है, अहोम समुदाय जो आपका है उसके लिए बहुत ही पवित्र स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अहोम जो थी पहले असम की, ये पहली अहोम राजवंश की चराई देव जो है पहली राजधानी के तौर पे भी थी, पहली राजधानी। अहोम सम्राट आज का नहीं है, अहोम राजवंश बहुत पुराना है और अहोम राजवंश के ही एक शासक थे जिन्होंने के द्वारा क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। शासक का नाम था चाओ लुंग सियु काफा। मैं एक बार नाम लिख देता हूं चाओ, ठीक है। जब भी यहां पे नाम लिखते हैं बीच में एक बार डैश जरूर हम लगाएंगे जब मैं यहां पे लिखूंगा, चाओ लुंग साओ फा का, यहां पे डैश लगेगा, ठीक है। ये नाम है शासक का जिस शासक के द्वारा ये चराई देव मैदान स्थापित किया गया था, चाओ लंग साओ फाका, ठीक है। इनके द्वारा 1253 AD में चराई देव की स्थापना की गई थी, चराई देव को इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये असम के पिरामिड के तौर पे जाने जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये जो है ये असम के पिरामिड के तौर पे जाने जाते हैं। यहाँ पर वहां के सम्राट की क्या है, पिरामिड है। तो यहाँ पे कब्रगाह दफन प्रणाली है और एक तरीके से समझिए कि ये एक बहुत हिस्टोरिकल साइट है, ठीक है। बहुत हिस्टोरिकल साइट है, वहां के लोगों से बहुत जुड़ी हुई है और आज भी वर्तमान में भी जो है अहोम समुदाय के द्वारा हिंदू रीति रिवाजों के तहत यहाँ पे दाह संस्कार पद्धति को शुरू किया गया है। और यहाँ पे जो अहोम समुदाय के लोग होते हैं, दाह संस्कार के बाद जो राख बचती है, जीवन का जो अंतिम आपका जो अवशेष बचते हैं उसको इस मैदान में दफनाया जाता है। 18वीं शताब्दी से एक प्रचलन चालू हो गया और आज भी वर्तमान में यहाँ पर दाह संस्कार के बाद जो है राख को दफनाने का काम किया जाता है। तो ये एक बहुत पवित्र स्थल है। अभी हाल ही में जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा सरमा के द्वारा 16 जनवरी 2023 को जो है इसको चराई देव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित करने के लिए एक प्रपोजल भेजा गया है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसको सम्मिलित कर लिया जाए। अभी आपको पता होगा कि मोढ़ेरा का जो सूर्य मंदिर है, बडनगर है, यमुना कोटी की जो आपकी मूर्तियां हैं उनको जो है इसमें सम्मिलित किया गया था। और इस हिसाब से देखा जाए तो
काफी बड़ा, तो इसको भी अभी संभावित लिस्ट में रख लिया गया है, टेंटेटिव लिस्ट, एक यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट है, टेंटेटिव लिस्ट, टेंटेटिव लिस्ट इसको बोलते हैं, संभावित लिस्ट। इस लिस्ट में ये मैदान सम्मिलित हो चुका है, संभावित लिस्ट में, संभावित लिस्ट में चराई देव का मैदान सम्मिलित हो गया है। तो आपको रफली देखो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि चराई देव क्या है। देखो यूनेस्को के बारे में चर्चा कर चुका हूं मैं, इससे पहले मैंने मोढ़ेरा के बारे में बताया था, बडनगर के बताया था, और मैंने आपको उसके बारे में बताया था। आप लोगों में जो लोग रेगुलर हैं, करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस देख रहे हैं, उनमें डिस्कस हुई थी, ऊनाकोटी के बारे में भी बताया था आपको, तीनों के बारे में चर्चा हुई थी इसी क्लास में। तो चराई देव मैदान को भारत भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट की ये 52वीं साइट होगी, 52 साइट के तौर पे इसको सम्मिलित किया गया है, ठीक है, 52 साइट के तौर पे इसको सम्मिलित किया गया, संभावित लिस्ट के तौर पे, ठीक है। और ये आप समझिए सांस्कृतिक श्रेणी के तहत असम या पूर्वोत्तर भारत की पहली साइट के तौर पे आपके डेवलप किया जाएगी, एक कल्चरल साइट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चराई देव मैदान से जुड़ा हुआ यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे अब जानकारी रखनी है, इतनी ही चीजें आपको पता करनी है, ठीक है। तो चराई देव मैदान का ऐतिहासिक महत्व है, एक दफन और दाह संस्कार प्रणाली से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, दफन और दाह संस्कार प्रणाली से, ठीक है। चलिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण जो है, आपको यहाँ पे एक ट्वीट देख पा रहे होंगे, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है, उन्होंने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय पार्टी बनने पर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी देशवासियों को बधाई। तो अभी आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी कैसी बन गई है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है, क्या हो गया है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है, ठीक है। और ये कब हासिल हुआ, 10 अप्रैल 2023 को, 10 अप्रैल 2023 को जो है ये ट्वीट किया गया था, और 10 अप्रैल 2023 को निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अच्छा राष्ट्रीय पार्टी होती क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। और वर्तमान में देखिए देश में टोटल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है, टोटल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वर्तमान में टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टियां है। कितनी है, 6 राष्ट्रीय पार्टियां, 6 राष्ट्रीय पार्टी है। अब 6 राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सभी के लिए है ये, 2024 वाले हों, 2025 वाले हों, 2026 वाले, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, 2023 वालों के लिए रामबाण है, ठीक है, सभी के लिए है करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे देखिए 6 राष्ट्रीय पार्टियां कौन कौन सी, एक बार नाम मैं बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी हैं। एक तो आपकी मौजूदा जो पार्टी है सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी भी है इसमें, कौन सी है, बहुजन समाज पार्टी, इसके बाद एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है जिसको हम बोलते हैं CPIM, ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। एक है नेशनल पीपल पार्टी NPP, ये भी आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, और आम आदमी पार्टी आपकी 6वीं पार्टी है, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगी बड़े स्तर की राष्ट्रीय पार्टी है, और BJP हो गई आपकी, BSP हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, CPIM हो गई, नेशनल पीपल पार्टी हो गई, और आम आदमी पार्टी हो गई, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी बहुत पुरानी नहीं है, नई पार्टी है आपकी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें जान लीजिए। देखिए एक आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा एक कानून है, आपका कानून है चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, इसके तहत ही राष्ट्रीय दलों के तौर पे मान्यता के लिए मानदंड दिए गए हैं। मैं यहाँ पर मानदंड आपको बताता हूँ कि कौन से मानदंड है आपके, ठीक है। एक एक्ट है आपका चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन, चुनाव चिन्ह, यहां पे दो चीजें आरक्षण व आवंटन, आरक्षण व आवंटन,
चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 आदेश 1968, इसके तहत ही मानक निर्धारित किए गए हैं कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कैसे घोषित किया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव चिन्ह राजनीतिक दल चुनाव चिन्ह 2019 की पुस्तिका जो जारी की गई थी उसके तहत राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल कैसे माना जाएगा, इसके लिए देखो तीन मानक है, इनको रट लो। तीन मानक है। सबसे पहला मानक, चार या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ध्यान रखना है, चार या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त हो। राज्य स्तर के लिए भी अलग मानक होते हैं, वो मानक मैं कभी फिर बता दूंगा, यहां पे मैं केवल राष्ट्रीय स्तर पर बता रहा हूं। चार राज्यों में या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के तौर पर यदि कोई भी जो है दल आपका है तो उसको क्या है, राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। और यही आधार था, इसी आधार पे आम आदमी पार्टी को मिला है। किस आधार पे मिला है, इसी आधार पे आम आदमी पार्टी को मिला है। अब ये आधार कैसे क्या क्या है मैं एक बार आपको बता दूंगा, ठीक है, क्लियर है। अभी मैं इसके बारे में आपको स्पष्ट कर दूंगा, क्योंकि देखो अभी गुजरात में चुनाव हुए थे और जब गुजरात में चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इतना भी बुरा नहीं था। आम आदमी पार्टी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि वहां पर उसको क्या प्राप्त हुआ, गुजरात में आम आदमी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने कुल वैध मतों का जो है 12.5% मतलब 12.92% के आसपास वोट वहां पे मिले थे, तो उसके आधार पर उसको राज्य स्तरीय पार्टी। तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी को गुजरात, ठीक है, गुजरात के बाद पंजाब में आपको पता है उनकी सरकार ही है, ठीक है, दिल्ली हो गया और एक और है गोवा, इन चार राज्यों में इसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इन चार चार जगहों पर राज्य स्तरीय पार्टी प्राप्त होने के कारण से राष्ट्रीय पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, ठीक है, पंजाब, गोवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आपका जो है गुजरात, ठीक है, इन चार जगहों पे। तो सबसे पहली चीज क्या है, चार या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के तौर पर मान्यता प्राप्त हो। दूसरा भी है, मतलब एक तो ये क्राइटेरिया, यदि ये नहीं है तो ये होना चाहिए, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में चार अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करे, जो टोटल वैध मत है, लीगल मत है, उनका 6% मत प्राप्त करे, इसके अतिरिक्त चार लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे, चार लोकसभा सीटों पर जीत हो, ठीक है। यहां पे फिर से ध्यान रखिएगा, लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में चार अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6%, ठीक है, मतलब टोटल जो वैध मत प्राप्त हो उसका 6% होना चाहिए, जीते चाहे ना जीते पार्टी कोई जरूरत नहीं है, और इसके अतिरिक्त चार लोकसभा सीटों पर जीत भी दर्ज करे, ये भी साथ में दिया गया है। तो चार लोकसभा सीटें भी होनी चाहिए और टोटल जितना जो है मत प्राप्त हुआ उसका 6% होना चाहिए। तीसरा है, कम से कम तीन राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीटें यदि उसने जीत ली है तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी का, मतलब तीन राज्यों में क्या करे, लोकसभा की टोटल सीटों का 2%, ठीक है, इतना आपका हासिल कर ले तो उसको मिल जाएगा। अब समझ लीजिएगा प्रवीण जी, समझ में आ रहा है कि क्या है राष्ट्रीय पार्टी। तीन मानक है, देखिए आपके तीनों मानक मैंने आपको समझा दिए, पहले चार या अधिक राज्यों में क्या हो जाए, राज्य स्तरीय पार्टी के तौर पे दर्जा प्राप्त हो जाए, किस में प्राप्त हो जाए, चार राज्यों में, ये यूपीएससी वालों के लिए मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा जाएगा, यही पॉइंट आपके चारों रखे होंगे। तो चार या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल प्राप्त हो, राज्य स्तर का दल हो, तो आम आदमी पार्टी राज्य स्तर दल ये इतनी जगहों पे है। फिर लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या हो, चार अलग अलग कुल वैध मतों का 6%, ये याद रखना है, और साथ ही चार लोकसभा सीटें हो उसके पास, चार लोकसभा सीटें, तो यदि ये हो गया तो ये मिल जाएगा। दूसरा, तीन राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% उसको प्राप्त हो, यदि इतना प्राप्त है तो क्या बन जाएगा, तो आम आदमी पार्टी जो है आपकी चार राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त है। तो चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के तहत इसको जो है, आपको पता होगा कि चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ये भी आप जानते हैं, तो आम आदमी पार्टी आपकी ये बन गई,
राष्ट्रीय पार्टी। तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है, 4 राज्यों में 6% से ज्यादा वोट भी प्राप्त हुआ है। देखिए गुजरात में 12.92% है, गोवा में 6.8% है, दिल्ली में 53.6% है और पंजाब में 42%। तो 6% से ज्यादा वोट भी है इनके पास, 6% से ज्यादा वोट भी प्राप्त है। तो आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह झाड़ू, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने तक में आप समझेंगे, सबसे पहले 2012 में आपको पता है अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से पार्टी स्टार्ट हुई थी, 2 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है। इसके बाद 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 29.49% वोट प्राप्त हुआ था इसको, ठीक है। तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली की बनकर के उभरी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें इनके पास 2.1% वोट और 4 सीटें इनको हासिल हुई थी। फिर इसके बाद मतलब देखिए यहीं से देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में टोटल 4 सीटें इनको मिल गई थी, 2.1% वोट मिल गया था। 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए और रिकॉर्ड 53.4% वोट पड़े इनको और 67 सीटें इन्होंने जीती थी, 70 में से 67 सीटें जीती थी, 70 में से 67 सीटें इन्होंने जीती थी। फिर 2017 में पंजाब में 20 सीटें हासिल की इन्होंने, ठीक है, और मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी इनको प्राप्त हुआ था पंजाब में। 2022 में गोवा में 6.77% वोट मिला और साथ ही 2 विधायकों की जीत भी हुई थी। 2022 में पंजाब में 42% वोट मिला और 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की इन्होंने। इसके बाद जो है आपका 2022 में गुजरात में 13% वोट प्राप्त हुआ और 5 सीटों पर जीत हासिल की और राष्ट्रीय पार्टी बनने का दर्जा प्राप्त किया। ये आपको सबको याद है, समझ में आया है कौन थे यहाँ पे, किसी को दिक्कत हुई हो, ये टॉपिक समझ में आ रहा है सभी को, ये टॉपिक समझ में आ रहा है। चलिए प्रवीण जी को भी समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो आम आदमी पार्टी को ये दर्जा प्राप्त हुआ, टोटल 6 पार्टी हो गई, 2 पार्टियां और थी आपकी, एक अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस थी आपकी जो कि बंगाल में सरकार है जिसकी, और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और एक आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो महाराष्ट्र में है। ये तीनों पहले राष्ट्रीय पार्टी होती थी, मतलब ये पहले तीनों राष्ट्रीय पार्टी थी, एक तो तृणमूल कांग्रेस, दूसरा एनसीपी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इन तीनों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो चुका है, आम आदमी पार्टी को मिल चुका है और इन तीन को बाहर कर दिया गया। तो यदि कोई भी मतलब किसी की भी स्थिति डावाडोल होती है, इन मानकों से बाहर होता है, तो निश्चित तौर पर उसका दर्जा भी चला जाएगा। तो कौन कौन सी है, एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, एनसीपी है, दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और तीसरा है आपका भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, दिमाग में बैठा लेना है, क्लियर है। तीन का बाहर हो चुका है, तीन बाहर हो चुकी हैं, दिमाग में बैठा लेना, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया टीएमसी, ये बाहर हो चुकी है, पहले थी ये, ठीक है, एनसीपी बाहर हो चुकी है, एनसीपी बाहर हो चुकी है, और सीपीआई बाहर हो चुकी है, सीपीआई एम है अभी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है पर सीपीआई नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ये तीनों को बाहर का रास्ता दे दिया गया आम आदमी पार्टी समेत। चलो अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं, एशिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप के तौर पे अगला जो है करंट अफेयर्स है आपका, तो ये एक टेलीस्कोप है, लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन उत्तराखंड में पूरा का पूरा एस्टेब्लिश किया गया और एशिया का सबसे बड़ा है। तो एशिया में उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप, इसका नाम है ILMT, ठीक है, ILMT का फुल फॉर्म क्या है ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ILMT का फुल फॉर्म है आपका, ठीक है, वैसे तो ये आपका इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, ये आपका जो है क्या हुआ, इसका उद्घाटन किया गया। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार ये प्राप्त है जितेंद्र सिंह जी को, ठीक है, इन्हीं के पास कार्मिक DOPT भी है, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष सारा इन्हीं के पास है। तो 21 मार्च 2023 को इन्होंने उत्तराखंड में देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप का उद्घाटन किया इन्होंने, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है।
क्लियर है, स्पष्ट है। और साथ ही एक यहाँ पे संस्थान भी बनाया जाएगा, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, ठीक है। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान भी यहाँ पर बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ बनाया गया आपका, यहाँ पे उत्तराखंड में। इससे क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो, आपको पता है अंतरिक्ष क्षेत्र पे हम लगातार काम कर रहे हैं, और ऐसे में जो है यहाँ पर ये वेधशाला इस्टेब्लिश करना, वो भी एशिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो ये अपने आप में बहुत बेहतर है। और यहाँ पे आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान भी बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कई ईस्ट कंट्रीज के साथ सहयोग लिया गया है, बेल्जियम है आपका, बेल्जियम से है, उज्बेकिस्तान से है, इन सभी कई सारी कंट्रियाँ विश्वविद्यालय मिल करके ये पूरा का पूरा एक आपका बनाएंगी, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इस टेलीस्कोप के माध्यम से जो आपके क्षुद्र ग्रह हैं, जो आपके आकाशीय पिंड हैं, जो अंतरिक्ष में बड़े स्तर पे अंतरिक्ष मलबा है, या अंतरिक्ष से जुड़ी हुई जो परिघटनाएं हो रही हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे है आपका, देव उत्तराखंड में, ठीक है, ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा, ये आप देख पा रहे होंगे, ये टेलीस्कोप है जो इस्टेब्लिश किया गया है। चलिए अगला चलते हैं। ये आप इनको शायद जानते हो या नहीं जानते हो, ये है एंथनी अल्बनीस। कौन है? एंथनी अल्बनीस, अल्बनीस अभी ये भारत आए थे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं ये, ऑस्ट्रेलिया पीएम है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको पता है हमारे संबंध अच्छे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्थनी अल्बनीज जो है 8 से 11 मार्च, 8 से 11 मार्च भारत आ गए। तो बस फिर भारत आए तो फिर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, है ना। तो ये आपको रफली याद रखना है, भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, उसमें भाग लेने के लिए आए थे। और ये ध्यान रखिएगा, ये पहला शिखर सम्मेलन है, पहली बार ये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आपका 10 मार्च को था आपका, क्या था, 10 मार्च को, ठीक है। तो ये शिखर सम्मेलन है आपका, जो ये शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे पहली बार मिले हैं, नहीं इससे पहले वर्चुअल हो रहा था, इससे पहले वर्चुअली हुआ था, मतलब 2022 में हुआ था वर्चुअल, इसमें यार इस बार मुलाकात किया। तो बस फिर सहयोग के लिए बहुत सारे समझौते पारित किए गए होंगे। समझौते कैसे कैसे हो सकते हैं, एक तो खेलों पे समझौता हुआ है, ठीक है, फिल्मों के निर्माण को लेकर के समझौता हुआ है, फिल्म निर्माण, खेलों के निर्माण पर, और नवाचार पे सहयोग पर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ, राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक संगठन के बारे में, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कस होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो बहुत सारे समझौते हुए हैं, खेल से जुड़ा हुआ, फिल्म से जुड़ा हुआ, कई सारे समझौते यहाँ पर किए गए हैं। इसके बाद जो प्रधानमंत्री एल्थनी अल्बनीस हैं, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो आपका, जिसको मोढ़ेरा स्टेडियम भी कहते थे, वो स्टेडियम में इन्होंने पहली बार जो है जो वहां पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट मैच खेला जा रहा था, उस क्रिकेट मैच में भी ये शरीक हुए थे। बॉर्डर गावस्कर एक ट्रॉफी होती है, उस सीरीज में जो है जाकर के सम्मिलित हुए थे। तो भारत ऑस्ट्रेलिया मैच भी देखा इन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी जी के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है भारत गावस्कर सीरीज देखने के लिए ये पहुंचे। तो ये भी आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसके बाद ये डीकन विश्वविद्यालय पहुंचे, डीकन विश्वविद्यालय यहां पर पहुंचे, और ये आपका गुजरात में जो है गांधीनगर में स्थित है, यहां पर भी है डीकन विश्वविद्यालय, गुजरात में ही पहुंचे, गुजरात में ही आपका डीकन यूनिवर्सिटी, डीकन यूनिवर्सिटी गए। डीकन यूनिवर्सिटी के अलावा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में भी पहुंचे। तो इस तरीके से काफी जगहों पर ये गए आपको, ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट है, एक जो भारत का हमारा जो एक विमान वाहक पोत है, जलयान है, INS विक्रांत, INS विक्रांत पर भी इन्होंने दौरा किया। INS विक्रांत पर जाने वाले ये पहले विदेशी बने, ठीक है। INS विक्रांत जो भारत का पहला विमान वाहक पोत है, ठीक है, स्थानीय रूप से बनाया गया, तो INS विक्रांत पर जाने वाले पहले विदेशी बने ये, INS विदेशी PM, INS विक्रांत पर भी गए। तो कई सारे परिसर पे गए आपका, डीकन यूनिवर्सिटी गए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गए, INS विक्रांत पे गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजों पर भी इन्होंने देखा।
और बहुत सारे व्यापार समझौते किए गए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वो सब आप सभी जानते हैं, वो बार बार मैं तो रफली आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो पीएम आए थे 10 मार्च को ऑस्ट्रेलिया भारत के शिखर सम्मेलन में रहे ये। अभी देखिए हमारे भारत का गौरव है, राष्ट्रपति भवन है आपका, राष्ट्रपति भवन में एक परिसर है, ठीक है, आप लोग कभी भी जा सकते हैं। फरवरी जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक में आए ओपन हो जाता है। इसका नाम है मुगल गार्डन। क्या है ये? मुगल गार्डन। नाम बदल गया भाई, अब इसका नाम बदल गया, मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित कर दिया गया, अब इसका नाम हो चुका है अमृत उद्यान। क्या हो चुका है ये? अमृत उद्यान, अमृत उद्यान। तो नाम परिवर्तन का जो सिलसिला चल रहा है आपका, अब अमृत उद्यान, आप सोचेंगे कि अमृत उद्यान ही क्यों रखा गया, भैया आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, अभी अमृत काल भी चल रहा है आपका, ध्यान रखिएगा। तो इसका नामकरण किसने किया है? भारत की प्रधान राष्ट्रपति जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया है, और आम जनता के लिए ये लगभग इस बार जो खोला गया था 31 जनवरी, तो कभी आप भी दिल्ली आए तो 31 जनवरी इस टाइम पीरियड पे आप जा सकते हैं, यहाँ पर ही जो है राष्ट्रपति भवन के पास वहीं पर ही टिकट मिल जाती है आपको, और ये लगभग काफी लंबे समय तक ओपन रहता है आपका, लगभग मान के चलिए कि 1 से 2 महीने तक ओपन रहता है। 26 मार्च तक ये आम जनता के लिए खुला था इस बार, तो जनवरी से मार्च के बीच में आपका ओपन होता है, जनवरी मान लीजिए, फरवरी मान लीजिए क्योंकि लास्ट ही है, ठीक है। तो एक तो ये नाम चेंज हुआ है, अमृत उद्यान हो गया इसका मुगल गार्डन का नाम, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और ये आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत है, बहुत सारे यहाँ पर आपको हर एक किस्म के जो है फूल मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए हर एक किस्म के फूल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बड़ा शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। इसके बाद आपका ये आप देख सकते होंगे, ये आपका राष्ट्रपति भवन है, यहीं पे आगे इंडिया गेट है, ये आप देख रहे हैं इंडिया गेट है। ये आपको पता होगा एक और परिवर्तन किया गया है सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये राजपथ का नाम, ये राजपथ है, ठीक है, आप कभी भी देखेंगे इंडिया गेट है, पूरा का पूरा जो लुटियंस दिल्ली है आपका, सेंट्रल दिल्ली है, जहाँ पे आपका राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, अभी नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा वहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है, और दूसरा जो है वहीं पर आपका इंडिया गेट है। तो यहाँ पर भी एक नाम परिवर्तन किया गया, राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो एक परिवर्तन ये भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। पहले इसका नाम था राजपथ, किंग्स वे, ठीक है, क्योंकि तो पहले किंग ही रहते थे, किंगों का रिप्रेजेंटेशन था, गवर्नर था, तो अब इसका नाम हो गया कर्तव्य पथ। सही बात है, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही है जनता के प्रति, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सितंबर 2022 में एक नामा परिवर्तन ये हुआ है आपका, ठीक है। तो कर्तव्य पथ ये आपका, इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए तो आज के करंट अफेयर्स में इतने ही कुछ टॉपिक हैं, पहला तो कर्तव्य पथ राजपथ से हो गया, मुगल गार्डन का नाम हो गया अमृत उद्यान, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, अमृत उद्यान हो गया इसका, आजादी का अमृत काल चल रहा है उसी में। दूसरा आपके जो एंथनी अल्बनीज थे, इनके बारे में चर्चा हो गई, ठीक है, इसके बाद ये चर्चा हो गई आपका मिरर टेलीस्कोप को लेकर के, एशिया का सबसे बड़ा, और एक आपका दिल्ली के आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, और एक टॉपिक मैंने आपको जो सबसे पहले पढ़ाया वो पढ़ाया जो आपका ये कब्रिस्तान था, या फिर एक राष्ट्रीय आपके जो था ये चराईदेव मैदान को लेकर के, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आज ये 5-6 टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को सभी को याद कर लीजिए, इसके बाद आपको नेक्स्ट अगली क्लास में 5-6 टॉपिक थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपके होते रहेंगे, आप बस इतना करते जाइए जितना मैं आपको करवाता जा रहा हूँ, जितना याद करवाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे।